डाउटनट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू ए नर्सरी क्लास। सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी। तो हम आपको पहले वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि एक वर्ड हमेशा याद रख ध्यान देते हैं, कौन सा, जो ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस ओनली का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के कॉम्बिनेशन में बोल सके। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ दो लैंग्वेज है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं सब में पहले हम क्या एक दो बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो सपोज ये हो गया, एक हिंदी का बॉक्स हो गया और एक इंग्लिश का हो गया। तो सपोज ये हिंदी वाला है और ये इंग्लिश वाला है। तो जैसे उसने बोला कि सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट उसके लिए हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब ओनली की बात आती है तो सिर्फ हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट ले उसको हम कलर कर दे रहे हैं, तो सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम जो है छोड़ देते हैं। तो बाकी जितना पार्ट बचता है वो क्या होता है, सिर्फ ओनली के लिए। ठीक है, और जब ओनली वर्ड नहीं यूज करते हैं तो ये जो हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन कर दें दो चीज़ कि जो ये वाला पोर्शन है जिसमें हमने ये पोर्शन नहीं लिया है वो सिर्फ ओनली का है। ठीक है, तो इतना पार्ट ओनली का है, और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जब इसको भी ले लेंगे तो ये ओनली वर्ड हट जाएगा तब। तो 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और उसमें से कुछ स्टूडेंट केवल इंग्लिश बोलते हैं और केवल हिंदी बोलते हैं कुछ स्टूडेंट। अब पता है नहीं कितने स्टूडेंट हैं, तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं। तो इसका मतलब 10 कौन से हुए, इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले, कि जो हिंदी बोलते हैं तो हिंदी वाले बॉक्स में भी आ जाएगा और जो इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश वाले बॉक्स में भी आ जाएगा, इसलिए हमने 10 को यहाँ पर रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21, तो बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश बोल लेते हैं, यहाँ पर ये नहीं बोला कि केवल इंग्लिश बोल लेते हैं। तो जब केवल वर्ड ना लगाए, जब ओनली वर्ड ना लिखे, तो हम इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो टोटल इंग्लिश वाले कितने हैं, टोटल 21 हैं, तो 21 में 10 तो ऑलरेडी हम यहाँ पर भर चुके हैं, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 21 माइनस 10 मतलब 11 छात्र ऐसे जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, और अगर इस तरह से बोलें तो 21 छात्र टोटल इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन केवल इंग्लिश वाले सिर्फ कितने हैं, 11 छात्र हैं। आगे क्या कह रहा है कि देन हाउ मैनी, इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी वाले कितने पीपल होंगे हमको ये बताना है। तो हिंदी वाले कितने हो जाएंगे, टोटल हैं कितने हमारे पास, 50 हैं। ठीक है, मतलब हमको नंबर ऑफ हिंदी स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो टोटल हमारे पास 50 हैं। अब उसमें से अगर हम ये इंग्लिश वाले टोटल माइनस कर दें, ठीक है, तो जैसे इंग्लिश वाले माइनस कर देंगे तो जितने पीपल आएंगे सब क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। तो पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ हिंदी पीपल हमको निकालना है, इसकी वैल्यू नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एस दिया हुआ है कितना है, 10 है। नंबर ऑफ इंग्लिश वाले पीपल कितने हैं, 21 है, ये दिया हुआ है हमको, एन एच निकालना हुआ, ठीक है। और एन ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एच कितना दे रखा है, 50। यूनियन का मतलब क्या हुआ, जितने टोटल छात्र हैं क्लास में, तो ये 50 दे रखा है। तो हम इसको पहले फार्मूले से समझ लेंगे, उसके बाद आपको डायग्राम से बताते हैं। तो फार्मूला क्या होता है ई यूनियन एच का, कि नंबर ऑफ इंग्लिश पीपल प्लस नंबर ऑफ हिंदी पीपल माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश ई इंटरसेक्शन एच। तो वैल्यू पुट कर दे, तो यहाँ पर ये 50 है, एन ई कितना दे रखा है, 21, एन एच हमको निकालना है, और ई इंटरसेक्शन एच कितना दे रखा है, 10। तो इसको हम 21 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, और 50 में से 11 को हम माइनस कर देंगे तो 50 माइनस 11 इक्वल टू कितना आ गया, ये 39। मतलब उन 39 पीपल ऐसे हैं जो केवल क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके आगे इसमें से तीन पार्ट है इस क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट तो हो गया 39 वाला, तो 39 देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, 39 इस ऑप्शन में है, तो मतलब डी हमारा पार्ट हमारा सही होगा। तो चाहे तो हम एक पार्ट से ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी पार्ट आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा उसने क्या पूछा है कि हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी वाले हो गए 39। अब कह रहा है कि ओनली हिंदी, तो अगर टोटल कितने हैं, 39 है हिंदी वाले, तो ओनली हिंदी का मतलब क्या हुआ, 10 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे 10 माइनस करेंगे तो केवल हिंदी वाले कितने हो गए, 29। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। आगे उसने क्या बोला है कि देन एंड हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश वाले हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितने हैं ओनली इंग्लिश वाले, 11, तो ये होगा 3rd 11। तो मतलब ऑप्शन हमारा डी सही है। डाउटनट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।